ये गाड़ी में किचन का और सब सामान पैक कर रहे हैं। कल सुबह जल्दी घूमने के लिए निकलने वाले हैं। सेम वैसे ही लग रहा है जैसे हमने पहली बार यात्रा शुरू की थी। गाड़ी एकदम भरी, पूरे कंप्लीट राजस्थान की यात्रा शुरू की थी, वैसी फीलिंग आ रही है। कहाँ जाएंगे, आगे कहाँ रुकेंगे, क्या करेंगे। ये मुझे आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, 21 तारीख है। आप सभी को योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सुबह सुबह का समय है, साथ गुजरने वाले हैं। आज योग दिवस है। हाँ, योग दिवस के घर से रवाना हो रहे हैं। ये मम्मी का आशीर्वाद, पापा खेत में गए हुए हैं, अभी आने वाली है मम्मी। थोड़ा लंबो करिए ठीक ऊपर करना। मक्खन, दही, दही और मिश्री ले लिए, थोड़ा दूध पी लो। भगवान को भोग है, कृष्ण भगवान और ले। हमारी सिया नहीं खाती दही, देखना ही पसंद नहीं करती। क्या मिठू है, चीनी डाली भी अच्छी नहीं लगती है। अरे मैं तो कहूँ था स्वाद से अच्छी, स्वाद लगे भाई। अरे मीठा नहीं, कुछ कुछ भी खुआ दे, ठीक है ले प्याज दे, कुछ भी खुआ दे, या तो कोई को नहीं पसंद करनी। दूध पिए दो और भगवान को प्रसाद दे। सुबह सुबह ये बच्ची हमारे घर में रोज आती है रोटी खाने के लिए। लेकिन दूसरों के घर को नहीं आती। ये तो हमें पता नहीं दूसरों के घर का था, लेकिन हमारे घर रोज आती है। पापा आ गए खेत से, पहाड़ पर जावे भले ही। हम लोग जो घूमने के लिए जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, नए स्थान देखेंगे, आपको दिखाएंगे, लेकिन घर से जब भी निकलते हैं तो हमारे लिए बहुत मुश्किल रहता है घर से निकलना, रवाना होना। घर को छोड़ने का कभी मन ही नहीं करता, फिर भी इतनी भीड़ में धन सीट मिल गई। कौन सा गांव है? सावर। और ये कितने सालों से आप कर रहे हो पेड़ा बेचने का काम? 30-40 साल हो गए। ये पेड़ा वाली जगह सावर गांव है, जो कि पल्लू और सरदार सर के बीच में आता है। और यहाँ पर खूब सारी दुकान पेड़ा मावा, पेड़ा मावा थी, तो इसलिए पेड़ा यहीं से ले लेते हैं, क्योंकि आज बालाजी का इसका कोई प्रसाद पहले से बोला हुआ था वो चढ़ाना है। श्री हरि गौशाला है, ये गो चिकित्सालय है क्या? गवर्नमेंट का है क्या? अपने नमस्कार नमस्कार। ये चिकित्सालय है भोले बाबा का, बाल संत जो यहाँ पर कथा करते हैं। ठीक ठीक ठीक। 21 तारीख है, एकादशी भी है और योग दिवस भी है। नाम संजय कुमार स्वामी, पुत्र श्री सुरेंद्र दास स्वामी। बाल संत श्री भोले बाबा, वाह। ये जो बाल संत श्री भोले बाबा है, उनके यहाँ पर आसपास में जितने भी गांव है वो खूब सारी उनकी गौशाला बनवाई हुई है। और यहाँ पर आसपास के गांव में बहुत ज्यादा फैन है बाल संत श्री भोले बाबा के, हम भी है। ये बहुत बड़ी फैन है और कथा यहाँ पर गांव में चलती है। गांव में जब कथा आती है तब छोटे से लेके बड़े सब कथा सुनने के लिए जाते हैं।
आपके गांव में भी जाते हैं? हमारे गांव में एक बार आई थी, एक बार सुनी थी। हाँ पूरी कथा जब तक 7 दिन तक चली थी ना, तो सब पूरे दिन मतलब तब तक चलती थी। तो इन बाबा जी ने जो जगह जगह पर इस एरिया में मतलब गौशालाएं बहुत बनवा रखी। केलनिया गांव, बालाजी मंदिर, बालाजी का भी प्रसाद लिया था, वो हमें चढ़ाना है। यहाँ हनुमानगढ़ जिला है क्या? हाँ, अच्छा, पल्लू तहसील है, राउत सर के लड़िया गाँव। दोस्तों अब हम हरियाणा के अंदर एंट्री कर चुके हैं, संगरिया से थोड़ा आगे। हरियाणा के अंदर एंट्री करते ही दोनों तीनों साइड पेट्रोल पंप ही पेट्रोल पंप आ रहे हैं और लिखा हुआ है हरियाणा का पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप है उन पर ऐसे लिखा हुआ था, पीछे स्टार्टिंग में जो दो पंप थे उन पे ऐसे लिखा था हरियाणा का पेट्रोल पंप। मतलब हरियाणा में आते ही भरवालो भाई, ये सस्ता हो गया यहाँ पे। राजस्थान हरियाणा में 10 रुपए का फर्क है, ऐसे राजस्थान पंजाब में भी 10 रुपए का, यानी कि राजस्थान में महंगा बिकता है पेट्रोल 10 रुपए। आज सुबह से हमने भी पेट्रोल नहीं भरवाया है कि हरियाणा जा रहे हैं तो वहाँ जाके ही भरवाएंगे। पंजाब थोड़ा सा आएगा हरियाणा, तो बाकी हम पंजाब के अंदर से निकलेंगे। हाँ। नहीं अब हरियाणा में आते हैं भरवा सकते हैं। हाँ, सस्ता तो हो गया। टंकी पूरी खाली हो चुकी है, थोड़ी देर में पेट्रोल भरवाएंगे यहाँ पर। 10 रुपए से 30 लीटर के 300 रुपए तो बच जाएंगे। मैं आपको बता दूं गाड़ी अब तक 59,434 किलोमीटर चल चुकी है। राजस्थान यात्रा शुरुआत की थी तब नई लेके आए थे, तो अब तक करीब करीब 60,000 के नज़दीक चल चुकी है। और तो दोस्तों पंजाब में एंट्री करने वाले हैं, उससे पहले खाना खा लेते हैं हरियाणा में अभी। और राजस्थान से हम लोग हनुमानगढ़ से हरियाणा के चौटाला में आकर एंट्री की थी। अब हम आपको बता देते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। आप कब से सोच रहे हो? क्या करिए तुम? दरअसल हम हिमाचल जा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश आगे की यात्रा में शुरू कर रहे हैं। तो अब आप सोच रहे हैं क्या हमने राजस्थान यात्रा पूरी कर ली? नहीं, राजस्थान के कुछ स्थान जो है वो बाकी है। तो वापस जैसे ही हिमाचल से वापस कभी घर आएंगे थोड़े दिन के लिए, तब जो आओ 10-20 दिन में कंप्लीट कर लेंगे राजस्थान भी। क्योंकि आपको पता ही है पिछले 1-1.5 साल से जब से लॉकडाउन लगा है सब कुछ आपके भी हमारे भी हम सब के जो अस्त व्यस्त ही हो गए शेड्यूल काम सब कुछ, तो यात्रा भी हमारी अस्त व्यस्त जैसी ही होगी। बीच बीच में जैसे जैसे लॉकडाउन खुला वैसे वैसे करके हमने जैसे तैसे राजस्थान को कंप्लीट किया है। थोड़े से स्थान रह गए 10-5, वो जैसे ही हम आएंगे वापस घर आएंगे राजस्थान तो पूरे कर लेंगे। वो जितने भी बचे हैं वो सब मंदिर है, और मंदिर अभी कुछ अधिकतर खुलने वाले नहीं। हाँ अधिकतर मंदिर ही है। अभी जो हम हरियाणा के अंदर बैठे हैं और खाना खा रहे हैं, और हम सुबह निकले थे तब ऐसे सोच रहे थे कि पता नहीं मतलब अगर बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो पुलिस वाले रोकेंगे या नहीं रोकेंगे। अभी हरियाणा के अंदर एंट्री की है, यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं रोका, पुलिस खड़ी थी सब गाड़ियों को देख रही थी, मतलब सीट बेल्ट और मास्क था तो उसको नहीं रोक रहे थे किसी को भी। हमें तो नहीं रोका और अभी पंजाब हमने ना किसी को रोकते हुए देखा। अब ऐसे है कि अगर कोई रोक भी ले तो हमारे टीका लगा हुआ है, उसका जो क्या बोलते हैं सर्टिफिकेट वो है साथ में, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी आगे का एक्सपीरियंस हम आपको बताएंगे, अगर कोई बात होगी तो हम आपको बता देंगे। ठीक है चलो अब खाना तो खाने वाले आज मैं और सिया दो ही हैं, क्योंकि ये तो उपवास कर रखा है इसलिए ये सिर्फ आम खाएगी ये सिर्फ आम खाएगी, और हम दही पराठा खाएंगे आज, मम्मी ने जो साथ में भेजे थे वही खाएंगे। ठीक है सिया ने खा लिया खाना? कटोरी वगैरह सिया ने खा लिया? कटोरी वगैरह खा मेरे आज उपवास है।
आज मैं खाना नहीं खाऊंगी। ये उपवास करेगी? हाँ। उपवास में खाना नहीं खाते? खाली और अब क्या? खाना नहीं खाते उपवास में? करेगी उपवास? हैं? पूरे दिन नहीं खाते? पूरे दिन करेगी उपवास? खाया हुआ है इसलिए कह रही है। हाँ गांव में थे, घर पे राबड़ी दही फूल खाते थे। राबड़ी और है नहीं? राबड़ी भी है। ये दोस्तों हम हरियाणा से पंजाब के अंदर एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पर तो कोई चेकिंग वेकिंग कुछ भी नहीं है। ये देखिए, ये हरियाणा के बाद पंजाब बॉर्डर, यहाँ से आगे पंजाब शुरू हो गए। खूब सारे साधन आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई चेकिंग का कुछ भी सिस्टम नहीं, क्योंकि अब शायद थोड़े दिनों में पूरी तरह से छूट मिलने वाली है। लॉकडाउन खुल रहा है। बठिंडा से आके मोगा से आगे जालंधर, देखते हैं कहां पर तक पहुंच पाते हैं। जहां तक पहुंच जाएंगे वहां रुकना होगा फिर रात को। ये बठिंडा है दोस्तों, बठिंडा के अंदर से निकल रहे हैं अभी। आज इनके की कोई बात है बात तो घर नहीं बेटा, यहां पर बिजली बनती है, लाइट लाइट चली है। इस गांव का क्या नाम है? बठिंडा। बठिंडा आ गए हम। बठिंडा क्या होता है? बठिंडा इस काम का नाम है। बठिंडा शहर का नाम है। बठिंडा बेटा अपने कूटने को सामान को नहीं घर जावा तो ले लिया। चलिए दोस्तों अब चलते हैं बठिंडा से आगे मोगा की तरफ। ये मोगा भी एक शहर है पंजाब का, जो यहाँ से 90 किलोमीटर आगे मोगा। आइसक्रीम लेनी है आज यहाँ बैठे बैठे आगे आ जाएगी। आगे आएगी आज बैठे बैठे वो भूतनी निकल जाएगी माँ बेटी की दोनों की। देवनारायण आइसक्रीम, चलो आइसक्रीम खाते हैं देवनारायण। शुभेगी मस्त है। फलूदा खाएगी? फलूदा एक बात है, बठिंडा का फलूदा मस्त है, आइसक्रीम भी मस्त है, लेकिन बड़ा नाल राजस्थान गई है। भीलवाड़ा के हैं ये नजदीक के। बस एक छतरी लेनी है और कुछ नहीं लेना? ठीक है। तो सिया को कई दिन हो गए छतरी करते हुए, तो छतरी ले ही लेते हैं आगे। बारिश का तो पता नहीं, पता क्या नहीं, बारिश तो होगी। चावल रोप तो लग गया नहीं? हाँ, वो देखो चावल की बुआई कर रहे हैं, रुपाई। यहाँ पर पानी, यहाँ पर देखिए कुछ लोग कर रहे हैं पानी के अंदर खड़े हो। बांद्रा कितने दिन में हो जाएगी बुआई पूरी? कितने दिन? परसों हो जाएगी। और कहाँ से लेके आई है ये हाथ में? जो अच्छा ये बीजो बीज के रखते हैं पहले। हाँ, वो अड्डा पाट के डक्का डक्का फिर आवे खाते आवे हत्थाते भी प्रेम मिट्टी पे जा दिखा खा सुन दी। अच्छा ये गेहूं के जैसे बहुत ही होते नहीं है? हैं दो नहीं नहीं सीधा नहीं होते, सीधा नहीं होते ना, सीधा बोते हैं तो नहीं होगे। हां हां नहीं ऐसे नहीं, गीली मिट्टी में बोना पड़ता है। जगह बहुत ही
करके फिर इसको, हाँ ये पौध एक जगह वो करके फिर आगे लगाते हैं। दाना नहीं, मक्की है बेटा, मक्की, मक्की सुखा रखी है चौक पे। कबूतर खाएगा। पूरे दिन की थकान के बाद में सिया को तो नींद आ गई और हम लोग जालंधर पहुंच गए और अभी एकदम थक गए हैं। You have दोस्तों, अभी रात के 10:15 बज रहे हैं। पूरा वीडियो जो मैंने एडिट कर लिया है, थोड़ा सा बाकी है, अपलोड मैं करूंगा और सुबह तक आपको, यानी कि 22 जून को आपको मिल जाएगा। सुबह आप देखेंगे। जालंधर के अंदर एक देवी तालाब नाम से मंदिर है, और बहुत बड़ा मंदिर है और इसकी धर्मशाला है। इस धर्मशाला के अंदर एक कमरे में हम रुके हुए हैं। काफी बड़ी धर्मशाला और काफी अच्छी जगह हमें मिल गई एक रात रुकने के लिए। कल सुबह फिर से यात्रा शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।